My first day in Gujarat, so happy. So hey guys, welcome back to the YouTube channel Om Satya Blog. So कैसे हैं आप लोग? I hope बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आज हमारा ट्रेन में तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आज हम लगभग 9:30 तक गुजरात एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो अभी यहाँ से लगभग आधे घंटे में हम गुजरात पहुँचने वाले हैं। अभी हैं हम बारदोली में, बारदोली के बाद उधना जाएंगे और उधना के बाद डायरेक्ट सूरत पहुँच जाएंगे। तो अभी हम उधना पार कर चुके हैं, तो लगभग 15-20 मिनट के अंदर हम होंगे गुजरात में। तो जैसे कि आपको पता है, आज मेरा ट्रेन में तीसरा दिन है और तीसरा दिन में बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं हम। तो अभी हम सूरत जंक्शन पहुंच चुके हैं। सूरत जंक्शन, यहाँ अब हम अभी अपना बैग वैग उतार चुके हैं और बैग उतार के जाने लगे हैं अपने मामा जी के साथ। अपने छोटे वाले मामा जी के साथ जाएंगे, जहाँ हमें रुकना है। लगभग 10-15 दिन वहीं जाएंगे। तो अभी हम अपना बैग उठा लिए हैं और अभी जा रहे हैं हम स्टेशन के बाहर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, अभी सीढ़ी के ऊपर जा रहे हैं और बैग बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है, इसीलिए उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट क्या कीजिएगा, बैग तो उठाना ही पड़ेगा ना। ये पकड़ लिए बैग और अब जा रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये हम अपने स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही, क्या बता दें, गुजरात सूरत का नज़ारा। थोड़ा सा पॉल्यूशन है यहाँ पर, बट सही है। अभी स्टेशन के बाहर पॉल्यूशन तो रहेगा ही ना गाइस। अभी यहाँ से रिक्शा पकड़ के डायरेक्ट हमें जाना है कहाँ, तो अपने घर में। अभी हम तो ऑटो में बैठ चुके हैं और अभी हमें पता चला कि हमें जाना है सीतानगर कॉलोनी के हम प्रस्थान कर चुके हैं। और यहाँ का जो सूरत का ऑटो है ना, वो मतलब कि क्या ही बता दें, एकदम बाइक के जैसे स्पीड भागता है गाइस, बाइक के जैसे, क्या ही बता दें। ये हमको तो लगता है ना कि 5-6 सेकंड में ये 50-60 का स्पीड में चढ़ जाता होगा। तो अभी यहाँ बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है, ये देखिए एक बिल्डिंग यहाँ है, कितना मस्त बिल्डिंग है गाइस। हमारे झारखंड में तो ऐसा बिल्डिंग कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। ये देखिए और एक लंबा सा बिल्डिंग आया, जिसके ऊपर तक ले जाने में कैमरा बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा था। ये देखिए, ये सिर्फ सोलर पैनल से चार्ज होता है, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, सोलर। और ये एक ओवरब्रिज पार कर रहे हैं। ओवरब्रिज के ऊपर से चढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ का जो ऑटो रिक्शा है वो बहुत ही स्पीड भागता है।
अभी हम सीता नगर कॉलोनी के बहुत ही पास पहुंच चुके हैं और अभी सीता नगर कॉलोनी में जाके वहाँ तो वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ सामान वामान अंदर करना है, तो उस बिल्डिंग में चढ़ने के बाद मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, तो ब्लॉग में अभी एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी हम बस पहुँचने ही वाले हैं सीता नगर कॉलोनी। ये देखिए यही है सीता नगर कॉलोनी का बिल्डिंग, जो कि बाहर से देखने में तो बहुत ही गंदा लगता है बट अंदर में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम गुजरात पहुँच चुके हैं, गुजरात में सूरत में रहते हैं और अभी यहाँ एक सीता नगर कॉलोनी रहते हैं, सीता नगर कॉलोनी जो कि ये है सीता नगर कॉलोनी। तो अभी हमारा नहाना धोना होगा क्योंकि ट्रेन में दो दिन से नहा नहीं सके हैं, बस ऐसे ही ब्रश करके मुंह में पानी लेके और ऐसे ही रहना पड़ता था, क्या कीजिएगा ट्रेन में उतना मैनेज करना पड़ता है, बट अभी हमको नहाना पड़ेगा क्योंकि दो दिनों से नहीं नहाए हैं। तो अभी जा रहे हैं नहाने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, शाम का ब्लॉग में मिलते हैं, शाम का ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो अभी हम शाम में आ चुके हैं इधर घूमने, ये पता नहीं कौन सा जगह है बट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा एंड स्मार्ट है। यहाँ इतना लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है ना कि क्या ही बता दूँ। ये देखिए यहाँ अभी और एक बिल्डिंग ये रहा, अभी आए हैं हम गुजरात, फिर पता नहीं कब आएंगे, इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा और हमारे ब्लॉगिंग करने का स्टाइल भी बहुत ही जैसा आप लोग सोचिएगा बस वैसा ही है। यहाँ का सड़क कुछ इस प्रकार से और यहाँ बिल्डिंग्स भी बहुत ही लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे हैं, सिनेमा हॉल भी है, बिल्डिंग भी है और इस बिल्डिंग के अंदर में स्विमिंग पूल भी है जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ इधर इधर से ही हम आए हैं और यहाँ एक हाईवे भी बना हुआ है, यहाँ एक बिल्डिंग भी बना हुआ है। यहाँ गुजरात में सूरत में एक क्या यहाँ 50-100 बिल्डिंग भी बने हुए, इतने ऊंचे ऊंचे ओवर ब्रिज भी बने हुए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े, क्या ही बता दूँ। हमारे झारखंड में तो कबाड़ी कबाड़ी सा, क्या ही बता दूँ। हमारे झारखंड में एक चीज़ ही बस अच्छा है जो कि उधर जंगल झाड़ है, जंगल झाड़ भी गाइस बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए जंगल झाड़ भी मुझे पसंद है। तो अभी हम चले गए थे गलत दिशा में इसीलिए अब आ गए सही, तो हम लोग उधर चले गए थे कि उधर कुछ रॉन्ग रहता है। तो अब मिलते हैं रात में, अभी हो चुका है रात और यहीं ब्लॉग को एंड करते हैं, तब तक ये रात का नज़ारा है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कल भी ऐसा ही कुछ ब्लॉग आएगा तो उसके लिए सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।